अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव कौन जीतेगा, जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप? इसका जवाब संभवतः आज शाम तक मिल जाए। फिलहाल बाजी बाइडेन के हाथ लगती नजर आ रही है। उन्होंने ट्रंप से मिशिगन और विस्कॉन्सिन छीन लिए हैं। गुरुवार सुबह तक बाइडेन 7 करोड़ 10 लाख पॉपुलर वोट हासिल कर चुके थे। 2008 में ओबामा को 6 करोड़ 94 लाख 98 हजार 516 वोट मिले थे। यहाँ आपको बता दें कि 2016 में यहाँ ट्रंप जीते थे। बताया जा रहा है कि वे 253 इलेक्टोरल वोट जीत चुके हैं। ट्रंप के खाते में 214 वोट हैं। इसके अलावा बाइडेन ने अपनी ही पार्टी के बराक ओबामा का 12 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। बताया तो ये भी जा रहा है कि ट्रंप को 270 का जादुई आंकड़ा पार करने के लिए 53 इलेक्टोरल वोट्स चाहिए। 4 राज्यों में काउंटिंग जारी है। अगर इनमें से 3 ट्रंप जीत लेते हैं तो वे फिर राष्ट्रपति बन सकते हैं। पेंसिल्वेनिया इनमें सबसे अहम है। वहीं बाइडेन अकेले पेंसिल्वेनिया को जीतकर बहुमत तक पहुंच सकते हैं। अगर पेंसिल्वेनिया में जीत नहीं मिलती तो बाइडेन अपने गढ़ नेवादा, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना के जरिए व्हाइट हाउस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इनमें से नेवादा छोड़कर हर जगह ट्रंप का दबदबा है। इन राज्यों की तस्वीर अभी साफ होनी बाकी है। यह काउंटिंग जारी है। इनमें अलास्का, एरिजोना, नेवादा, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया शामिल हैं। यहाँ नतीजे आना अभी बाकी है। बाइडेन अब तक कुल 264 इलेक्टोरल वोट हासिल कर चुके हैं, यानी वे बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 6 वोट से दूर हैं। ट्रंप को 214 वोट मिल चुके हैं। जॉर्जिया में मुकाबला सबसे कड़ा है। यहाँ कुल 16 इलेक्टोरल वोट हैं। अब तक ट्रंप को 49.8% और बाइडेन को 49% वोट मिल चुके हैं। कुल 98% वोटों की गिनती हो चुकी है। पेंसिल्वेनिया में कुल 20 वोट हैं। यहाँ ट्रंप को 51% जबकि बाइडेन को 47% वोट मिले हैं। दोनों जगह काउंटिंग जारी है। सीनेट में अब तक डेमोक्रेट्स को 48 और रिपब्लिकन्स को 48 मिली हैं। हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स में डेमोक्रेट्स को 205 सीटें मिली हैं। उसे फिर भी 5 सीटों का नुकसान है। वहीं रिपब्लिकन्स को 190 सीटें मिली हैं और उसे 6 सीटों का फायदा है। कश्मकश भरी काउंटिंग के बीच जो बाइडेन दूसरी बार मीडिया से मुखातिब हुए, इस दौरान बाइडेन ने कहा कि पूरी उम्मीद है कि हम जल्द ही 270 के आंकड़े को छू लेंगे। हालांकि यह दावा नहीं करूंगा कि हम जीत ही गए हैं, यह जल्दबाजी होगी, लेकिन आखिरकार जब काउंटिंग खत्म होगी तो विनर हम ही होंगे। यहां आपको यह भी बता दें कि जॉर्जिया में भले ही ट्रंप के वोट कम हुए हों लेकिन वो अब भी लीड कर रहे हैं। एक इलेक्शन ऑफिशियल के मुताबिक अब भी 122,000 वोटों की गिनती की जानी है। बताते चले कि पेंसिल्वेनिया में ट्रंप बुधवार को 6 लाख वोटों से लीड कर रहे थे, लेकिन अब ये 50% से भी कम हो गई हैं। वे करीब 2 लाख वोटों से आगे हैं। हालांकि ज़्यादा संभावना यही है कि ट्रंप यहाँ बाजी मार लेंगे। यही वजह है कि डेमोक्रेट्स इस राज्य के साथ जॉर्जिया की काउंटिंग पर पैनी नज़र रख रहे हैं। समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट।
पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.